बच्चों, आज मैं आपको वर्ण विचार के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसको और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी सबसे छोटी जो इकाई है उसको और हम नहीं तोड़ सकते हैं, है ना। देखिए, वर्ण जो है वर्णों से ही शब्दों का निर्माण होता है, वर्णों से ही शब्दों का निर्माण होता है जो वाक्य का निर्माण करता है, और वाक्यों से एक पाठ्य पुस्तक या फिर पुस्तकें, बड़ी बड़ी पुस्तकें छपती हैं। तो आइए हम वर्ण के बारे में जानते हैं। यहाँ घोड़ा, तोता, बकरी, किताब। बच्चों, एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, घोड़ा जो शब्द है इस शब्द में चार वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? चार वर्ण हैं। तोता जो शब्द है इसमें कितने वर्ण हैं? इसमें भी चार वर्ण हैं। बकरी, इसमें कितने वर्ण हैं? इसमें छह वर्ण हैं। किताब, इसमें कितने वर्ण हैं? इसमें भी छह वर्ण हैं। अब पता कैसे चलेगा कि इसमें चार वर्ण है, इसमें चार वर्ण है, फिर इसमें छह वर्ण है, इसमें भी छह वर्ण है? तो आइए हम देखते हैं पाठ की तरफ। बच्चों, ऊपर घोड़ा, तोता, बकरी और किताब के चित्र दिए गए हैं। जब हम इनके नाम अपने मुख से बोलते हैं तो कुछ ध्वनियाँ निकलती है। क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे घोड़ा बोलते समय घ ओ र ध्वनियाँ निकलती हैं जो घोड़ा शब्द बनाती है। इसी प्रकार बाकी शब्दों की भी ध्वनियाँ हैं, जैसे तोता में त हलंत ओ, त हलंत आ तोता, बकरी में ब हलंत अ जोड़ है, क हलंत अ जोड़ र हलंत बड़ी, किताब में क हलंत जोड़ छोटी, जोड़ त हलंत जोड़ अ जोड़ ब हलंत आ। ये ध्वनियाँ ही हिंदी भाषा में अक्षर या वर्ण कहलाती हैं। ये ध्वनियाँ का मतलब क्या? ये टूटे हुए जो खंड है, ये ध्वनियाँ से मतलब है कि ये टूटे हुए जो खंड है यही हिंदी भाषा में अक्षर या वर्ण कहलाती हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती हैं, इनके और खंड नहीं किए जा सकते। यानी अब हम कहें कि त हलंत को तोड़ें तो नहीं टूटेगा, ओ को तोड़ें तो ये नहीं टूटेगा, त हलंत को तोड़े तो नहीं टूटेगा, आ को तोड़े तो नहीं टूटेगा। यानी सबसे छोटी इकाई है भाषा की, सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब है वर्णों के प्रकार। तो वर्णों के जो प्रकार है, आइए वर्णों के प्रकार के बारे में भी देखते हैं। देखिए, वर्णों के प्रकार में यहाँ वर्ण दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं, हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन से हैं तो हम लोग देखेंगे। यहाँ पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। पहला क्या है? स्वर वर्ण, और दूसरा है व्यंजन वर्ण। और स्वर क्या है? ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? जिस पर किसी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं हो, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं हो। इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। यानी जब स्वर वर्ण बोलते हैं तो किसी दूसरे की हम सहायता नहीं लेते हैं, यानी ये स्वतंत्र वर्ण है, आज़ाद है। हिंदी में 11 स्वर हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ऐ, ऊ, औ, 11 वर्ण हैं। स्वर के बाद और व्यंजन से पहले 3 वर्ण आते हैं, इन्हें जानना भी आवश्यक है। स्वर के बाद और व्यंजन से पहले 3 वर्ण जो आते हैं इन्हें जानना आवश्यक है। और जानते हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ये किसी लायक नहीं है, पर इनको क्या किया जाता है? ढोया जाता है। पर कुछ शब्दों का निर्माण हम इनकी सहायता के बिना कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए ढोया जाता है। यानी हमारी भी मजबूरी है, हमें इसकी आवश्यकता है, तो
आइए देखिए, देखते हैं वो तीन वर्ण क्या है। वो तीन वर्ण है अंग, आंग और अह। स्वर के बाद इत हो गया अंग, इसे अनुस्वार कहते हैं। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। अंग का चिन्ह ये दिया हुआ, देखिए एक पाई खींची गई है, उस पर अनुस्वार दिया गया है, जैसे हंस, कंस, कंगन, पिंजरा आदि। अंग इसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। देखिए अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, जबकि अनुनासिक का उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। अंग का चिन्ह ये चंद्रबिंदु है, होता है जैसे आँख, चांद, पांच, कांटा आदि। अह इसे विसर्ग कहते हैं। अह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग कब किया जाता है? जब भी करेंगे तो व्यंजन के बाद ही करेंगे। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। अह का चिन्ह ये विसर्ग होता है, जैसे अतः, प्रातः आदि। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण अ को भी स्वर में ले लिया गया है, जैसे बॉल, बॉक्स, ऑफिस, डॉक्टर आदि। चलिए विसर्ग के बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूँ कि देखिए जब हम अंग्रेजी में इसको क्या लिखते हैं, ए एच लिखते हैं, अह लिखते हैं ना, इसीलिए अंत में क्या आ रहा है, एच आ रहा है ना, इसीलिए इसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण जब करेंगे तो अतः, प्रातः, ह के लिए हम उच्चारण उपयुक्त यानी विसर्ग के लिए ह उच्चारण उपयुक्त मानते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम।